गोरखपुर विश्वविद्यालय विधि संकाय के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वाभिमान विषयक संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया। संगोष्ठी में 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को दीप जलाकर एवं पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ, साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजा राम, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, विधि संकाय के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्र, लेफ्टिनेंट जनरल आशीष जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए तथा देश के शहीद जवानों के आर्थिक मदद में जन सहभागिता का निर्वहन किया जाए। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने शहीद जवानों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोविंद बल्लभ शर्मा जी हमारे बीच में हैं। साहित्यकार कई वर्षों से विधि संस्था की बात जब आती है, संजय दहिया भी मौजूद हैं। जागरूकता का कार्य क्या है, क्या है समाज की सेवा, क्या है श्रद्धांजलि सभा की भावना के परिपूर्ण भी हम आगे बढ़े। इस बीच में हमारे जसवंत आए हैं, अधिकारी रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं। मैं खा ले रास्ते में था और अगले दिन जनता नहीं सोच पाता है, उन सबको एकत्र कर शहीद होते हैं। सरकारी स्तर पे उन्हें कुछ सहयोग दिया जाता है, सरकार उनकी चिंता करती है, लेकिन ये हम सबका कंसर्न है। जो भारत का नागरिक है उस सबका ये दायित्व है कि उसकी चिंता करें। और इसके लिए मेरे मन में एक सुझाव था कि चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा, कोई आमो खास यदि वो एक रुपया भी अपने अंशदान के रूप में दे सके तो एक क्षण में 130 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित होगी और उन जो शहीद हुए हैं देश के लिए उनमें वो परस्पर बराबर बांट दी जाए ताकि एक बराबर उनको एक अच्छा सहयोग हो। बारी बारी सुलगाई जिनने चिनकारी, जो चढ़ गए मातृवेदी पर लिए बिना गर्दन की मोर कलम, आज उनकी जय बोल। एक अहिंसा का देश रहा है और आज भी है, और इस अहिंसा के देश में इतनी हिंसा हो रही, इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, ये बहुत दुख का विषय है। गांधी जी ने अपने अहिंसा के बारे में लिखा था कि जिन ऋषियों ने अहिंसा का आविष्कार किया वे मेधा में न्यूटन से बड़े थे और शरीर बल में वेलिंगटन से और भी बड़े थे। ये अहिंसा का आविष्कार जब मनुष्य ने किया था तो उसके पहले भी भयानक हिंसा का युग था, जब मनुष्य एक दूसरे को मारा काटा करता था, जब नख पर और दांत पर मनुष्य का विश्वास था। लेकिन मनुष्य अहिंसक होने से ही मनुष्य हुआ, सारी दुनिया में छाया हुआ है और खास तौर से भारत, रोज कोई न कोई घटना होती है। इस हमारे पुलवामा घटना के बाद दूसरे ही दिन फिर घटना हो गई, फिर हमारे सैनिक मरे, तो इसका कोई
स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए, ऐसा समाधान जिसके लिए हमको रोज रोज अपने जवानों को श्रद्धांजलि देने की जरूरत न महसूस हो। मैं आप सब से यह अनुरोध करता हूं कि सोचिए, विचारिए। मेरी भी बातें हो रही हैं, अभी कई विद्वानों से बात हुई है, जिससे मैं मिलता हूं इधर, यही पूछता हूं कि इसका स्थायी समाधान क्या है। उन शहीद जनों को हृदय के अंत स्थल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह चाहते हैं कि बार बार ये घटनाएं न हों। बाहरी आतंकवाद की अपेक्षा हमें जो आंतरिक चुनौतियां हैं, आंतरिक जो खतरे हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे सबसे पहले निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि आंतरिक जब तक उसको हम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हमें यह दिन रोज देखने को मिलेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आंतरिक तौर पर उसको चाक चौबंद करें कि ऐसी स्थिति पुनः देखने को न मिले।